टीडी की टीम पार्थ चैटर्जी को लेकर ईएसआईसी अस्पताल पहुंची है। अस्पताल में अर्पिता मुखर्जी को भी लाया गया। पार्थ और अर्पिता की मेडिकल जांच खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि पार्थ को सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रही ईडी की टीम पार्थ चैटर्जी को लेकर ईएसआईसी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में अर्पिता मुखर्जी को भी लाया गया। पार्थ और अर्पिता की मेडिकल जांच कराई गई। इस वक्त ये जांच खत्म हो चुकी है। बता दें कि अब इस मामले में आगे जो जांच है वो सामने बिठाकर पार्थ और अर्पिता को की जा सकती है। अभी दोनों रिमांड में हैं और लगातार पूछताछ की जा रही है। पार्थ से भी और अर्पिता से भी पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। और अब ये भी इम्कान सामने जाहिर किए जा रहे हैं कि ईडी अब इन्हें आमने सामने बैठाकर इस मामले में पूछताछ कर सकती है। और उनके लिए व्हील चेयर लाई गई है। आप देख रहे होंगे कि जब से उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है वो इसी व्हील चेयर के जरिए उनके अंदर अस्पताल में दाखिल होते हैं। हर 48 घंटे में ये नियम है कि इसी तरीके से जो है मेडिकल कराया जाएगा। और यही मेडिकल कराया जा रहा है। कोशिश हम करेंगे कि अगर बाहर बाहर निकलते हैं बातचीत करने के लिए। पार्थुरा के षड्यंत्र करछे पड़े जा পার্থদা কে ষড়যন্ত্র করছে? সময় আসতে বুঝবে। বসুন দাদা, পার্থদা সুস্থ আছেন, সুস্থ বোধ করছেন? টাকা আপনার বলছে। আরে গায়ে লেগে যাবে, মার লেগে যাবে।